हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कटवर्क डिज़ाइंस के बारे में। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक पर ड्रॉ करना होगा, जो डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो उसको ड्रॉ करना होगा फैब्रिक पर। ये जो मैं लीफ बना रहा हूँ ग्रीन थ्रेड से, ये कटवर्क का फॉर्म नहीं है। ये मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको कटवर्क डिज़ाइंस बनाना है। अगर आप लीफ यानी पत्ता बनाने का ट्यूटोरियल वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर मैं लिंक दे रखा हूँ। किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ को सीखने के लिए उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें ताकि कुछ आपको टिप्स मिल जाए और आप ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बना सकें। डिज़ाइंस बनाने के बाद आपको लाइनिंग पैटर्न करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कर रखा है। आप किसी भी तरह का डिज़ाइंस बना सकते हो। उसके बाद आपको उसके ऊपर चैन लाइन स्टिच करना होगा। अगर आप चाहें तो उसके साथ साथ ज़िगज़ैग स्टिच भी कर सकते हैं। ज़िगज़ैग स्टिच करते वक्त याद रखें कि आपको एक दूसरे से उसको अटैचमेंट रखना है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको अटैचमेंट का एरो दिखा रहा है वहाँ पे मैं उसको अटैचमेंट कर रखा हूँ। अटैचमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आप उसको अच्छे से कट ऑफ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको कट ऑफ कर दूं तो जो डिज़ाइन मैंने कर रखा है वो भी कट जाएगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर चैन लाइन स्टिच करके उसके ऊपर ज़िगज़ैग स्टिच करना होगा।
अब ये zigzag कंप्लीट होने वाली है, तो मैं एक छोटा सा नोट डालकर इसको एंड कर दूंगा। अब आपको यहाँ पे एक तेज़ कैंची यानी सीज़र लेना है, उसके बाद उसको अच्छे से कट ऑफ कर देना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।